हेलो, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पाइसी एग टोस्ट। कभी कभी सुबह हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं होता है और हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो ये एक स्पाइसी एग टोस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं 3 अंडे ली हूँ और एक छोटा सा ऑनियन है, इसको हम बारीक बारीक काट लिए हैं। 3 ग्रीन चिली है, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर हमको चाहिए, नमक चाहिए स्वाद के हिसाब से, धनिया पत्ता, ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर चाहिए। यहाँ पे मैं 4 ब्रेड ली हूँ और ये ब्लैक पेपर पाउडर और रिफाइंड ऑयल, ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम सारे अंडे को फोड़ लेंगे एक बाउल में, फिर हम उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अंडा और ब्रेड दोनों का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा अंडा बीट हो गया है, अभी हम इसमें मिला लेंगे अपना कटा हुआ ऑनियन। इसमें जाएगा धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे हम स्वाद के हिसाब से, फिर हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसीनेस अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मिला दी, ये रेड चिली पाउडर, ये थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा एग मिक्सर रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। और अभी हम एक पैन में ऑयल गरम करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अभी हम एक ब्रेड को लेंगे और हमारा ये जो एग मिक्सचर है उसमें ऐसे डीप करेंगे दोनों तरफ से, हल्के हाथ में डीप करने के बाद उसको हम धीरे से लाके पैन में रख देंगे। फिर हम जो थोड़ा सा मिक्सचर है ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे चम्मच में लगा लेंगे, ताकि ब्रेड के हर बाइट में प्याज और धनिया पत्ता का टेस्ट आए। अभी हम उसको पलट लेंगे और दूसरे साइड में भी हम थोड़े से मिक्सर ऊपर से लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको मिक्सर लगा देना है। हम उसको मीडियम फ्लेम में सेकना है हमको। देखिए, दोनों तरफ से अभी हम उसको क्रिस्प होने तक दोनों तरफ से आपको इसको सेक लेना है। यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से ये एकदम परफेक्टली गोल्डन हो गया है, क्रिस्पी बहुत हो गया है। अभी हम उसको निकाल लेते हैं और इस तरह से आपको सारे टोस्ट को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सारे टोस्ट बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म टोस्ट हमारा सर्व होने के लिए रेडी हो गया है। अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा मैं रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दूंगी, आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। गर्मा गर्म टोस्ट को आप टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाय के साथ लेने में बड़ा मुझे पसंद आता है। होप आप सबको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो जो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।